जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है इन डिटेल के अंदर, उसका नाम है माइटोसिस, जो कि सेल डिवीजन का दूसरा टॉपिक है हमारी किताब के अंदर, जिसका नाम है माइटोसिस। पहला था सेल साइकिल, अब सेकंड नंबर पे जो आ गया उसका नाम है माइटोसिस। बेसिकली माइटोसिस के अंदर एक सेल डिवाइड होने के बाद दो सेल बनाते हैं, मतलब एक सेल डिवाइड होने के बाद जब दो सेल बनते हैं ऐसी डिवीजन का नाम माइटोसिस है। ये टेक्स प्लेस होती है, ये आपको नजर आती है दोनों सेल के अंदर, टेक प्लेस इन हैप्लोइड, हैप्लोइड सेल के अंदर भी यही होती है, एज वेल एज डिप्लोइड सेल। जो डिप्लोइड सेल है ये भी डिवाइड होता है और हैप्लोइड सेल भी डिवाइड होता है, और दोनों के अंदर जो डिवीजन पाई जाती है आपको वो नजर आती है माइटोसिस। मतलब हैप्लोइड भी माइटोसिस से डिवाइड हो सकते हैं और डिप्लोइड भी माइटोसिस के जरिए डिवाइड हो सकते हैं। माइटोसिस की सबसे बड़ी पहचान, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं इन डॉटर सेल। तो जो क्रोमोसोम की तादाद है डॉटर सेल के अंदर वो सेम रहती है जितनी पेरेंट्स के अंदर है। तो इसका मतलब जहां पे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद रहती है हम उसको नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड माइटोसिस। बेसिकली जो माइटोसिस है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस जो पूरी उम्र चलने वाला प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस हम उसको नाम देते हैं, वो आपके पास नजर आता है उसको कहते हैं माइटोसिस है, जो कि कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि आपको नजर आता है। तो कंटिन्यूस प्रोसेस जो चलने वाला हमारे जिस्म के अंदर जिससे सेल डिवाइड होता है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, उसका नाम है माइटोसिस है। फॉर एग्जाम्पल ये देखा जाए, ये एक सेल है और ये एक सेल आगे जाके फर्दर डिवाइड होता है। जब फर्दर डिवाइड होता है तो नंबर ऑफ सेल 2 हो जाते हैं और पीछे भी 46 क्रोमोसोम है, तो आगे डॉटर में भी 46 क्रोमोसोम आपको नजर आएंगे। तो ऐसी डिवीजन को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड माइटोसिस। बेसिकली जो माइटोसिस है इसके दो फेजेस हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। जो पहला पार्ट है उसका नाम है कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस के बाद दूसरे का नाम है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस अगर मैं कहता हूं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का डिवाइड करना दे आर कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। अगर कहते हैं डिवीजन ऑफ होल सेल, तो इसका जो डिवीजन ऑफ होल सेल है, मुकम्मल सेल का डिवाइड होना, हम उसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड साइटोकाइनेसिस है। तो साइटो का मतलब होता है सेल या साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म या सेल का डिवाइड होना साइटोकाइनेसिस है। कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, तो अगर न्यूक्लियस का डिवाइड होना दे आर कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। जो कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस इसको फर्दर हमने चार स्टेप में डिवाइड किया हुआ है, चार स्टेप्स के अंदर। जो पहला स्टेप है उसका नाम है प्रोफेस, दूसरे स्टेप का नाम मेटाफेस, तीसरे स्टेप का नाम एनाफेस, और चौथे का नाम है टीलोफेस। तो इसके फर्दर चार स्टेप हैं, प्रोफेस, मेटाफेस और एनाफेस और टीलोफेस है। सबसे पहले जो हम पढ़ने लगे उसका नाम है प्रोफेस। तो प्रोफेस कैसा फेज है, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आपको नजर आती हैं, तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो प्रोफेस है, सबसे पहला फेज। बेसिकली जो प्रोफेज है इसमें सबसे पहला काम क्रोमाटिन कंडेंसेशन होगी, जो क्रोमाटिन है क्रोमाटिन उसकी कंडेंसेशन होगी, क्योंकि सेल डिवाइड हो रहा है तो कंडेंसेशन होगी। जो क्रोमाटिन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आता है, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसका नाम क्रोमाटिन है, इसकी कंडेंसेशन होगी, फाइन थ्रेड नेटवर्क है ये। तो जो फाइन थ्रेड नेटवर्क है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, जिससे आगे क्रोमोसोम की फॉर्म बनेगी, वो क्रोमाटिन है। तो जब सेल डिवाइड नहीं होता उस वक्त तक क्रोमाटिन है, जब सेल डिवाइड होता है माइटोसिस करे या मियोसिस करे तो क्रोमाटिन चेंज हो जाती है क्रोमोसोम के अंदर, इसका मतलब क्रोमाटिन की कंडेंसेशन होगी। क्रोमाटिन क्या है, फाइन थ्रेड नेटवर्क होता है। तो क्रोमाटिन की कंडेंसेशन के बाद अपीयर हो जाएंगे, आपको नजर आएंगे अपीयर ऑफ क्रोमोसोम। तो प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम
वाजिया तौर पे नजर आता है जो कि पहले किस फॉर्म में मौजूद था, क्रोमाटिन के फॉर्म में। क्रोमाटिन क्रोमोसोम में कैसे चेंज हुआ, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। इसी के बाद जब प्रोफेज चलेगा तो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा या डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा, डिसअपीयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियस के खत्म होने के साथ साथ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस भी खत्म हो जाएगा। तो प्रोफेज के अंदर ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, डिसअपीयर हो जाएंगी और क्रोमोसोम विजिबल होगा और क्रोमाटिन की कंडेंसेशन होगी। इसी के साथ साथ प्रोफेज के अंदर साइटोप्लाज्म ज्यादा विस्कस हो जाएगा, साइटोप्लाज्म बिकम मोर विस्कस। तो ये ज्यादा विस्कस हो जाएगा, मोर विस्कस हो जाएगा, ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा और ये चीजें डिसअपीयर हो जाएंगे। इसके साथ साथ विजिबल हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा माइटोटिक अपरेटस, ऑर्गेनाइज ऑफ माइटोटिक अपरेटस। तो माइटोटिक अपरेटस जोन्स है ये आपको विजिबल हो जाएगा, ये बनना शुरू हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ये एक सेल है और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये जो बॉन्डी ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये आपको गाढ़ा सा मवाद नजर आ रहा है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। इसी न्यूक्लियस की दवार ये जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस एनवेलप, इसके ऊपर ये मौजूद है सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है, ठीक हो गया। अब होगा क्या, जब ये सेल जाएगा प्रोफेज के अंदर, प्रोफेज के अंदर जब जाएगा, तो जब ये प्रोफेज के अंदर जाएगा तो एक सेंट्रियोल एक पोल की तरफ मूव करेगा और दूसरा सेंट्रियोल दूसरे पोल की तरफ मूव करेगा। तो ये जो आपके पास सेल है इसका ये जो क्रोमाटिन है ये कंडेंसेशन का क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी खत्म हो जाएगी, न्यूक्लियोलस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा और न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाएगा, सारा का सारा मटेरियल साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और ये जो आपके पास सेंट्रियोल है ये दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। तो होगा क्या, जैसे ये एक सेल है और इस सेल का ये आपके पास सेंट्रियोल जो कि पेयर की फॉर्म में होता है, एक पेयर यहां पे आ गया और एक पेयर यहां पर आ गया, इससे जनरेट होते हैं, रेडिएट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि आगे स्पिंडल बनाते हैं, स्पिंडल बनाते हैं। तो ये सारे के सारे स्पिंडल आपको नजर आ रहे हैं जो कि रेडिएट होते हैं कहां से, सेंट्रियोल से। ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम नाम देते हैं एस्टर, जो कि एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल इसकी फॉर्मेशन करता है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये जो मैंने बनाया स्ट्रक्चर स्टार लाइक, इसका नाम है एस्टर। ये एस्टर है जो कि स्टार लाइक होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, दे आर कॉल्ड एस्टर है। अब एस्टर के बाद अगला देखा जाए, अब एस्टर के बाद ये जो स्पिंडल फाइबर है जिनके साथ क्रोमोसोम अटैच नहीं होगा, जिसके क्रोमोसोम अटैच नहीं है, इन स्पिंडल को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड पोलर स्पिंडल, यह है पोलर स्पिंडल कहलाते हैं। और वो स्पिंडल फाइबर्स जिनके साथ क्रोमोसोम अटैच होता है हम उसको कहते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर उसको नाम दिया जाता है। अब ये जो आपके पास तीनों का नेटवर्क है, ये तीनों का जो जाल है, इस तीनों के जाल को नाम देते हैं माइटोटिक अपरेटस। अगर मैं यहां पे माइटोटिक अपरेटस की डेफिनेशन लिखता हूं कि माइटोटिक अपरेटस क्या होता क्या है, माइटोटिक अपरेटस हम किसको कहते हैं, तो माइटोटिक अपरेटस की डेफिनेशन है स्पेशलाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्पेशलाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इंक्लूडिंग पहला स्पिंडल भी आ गया और स्पिंडल के साथ साथ दूसरा एस्टर भी आ गया, उसको हम नाम देते हैं दे आर कॉल्ड माइटोटिक अपरेटस कहलाता है। अब यहां पे आपने एक चीज को याद रखना है, जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल है, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, पोलर की, जो पोलर पोलर स्पिंडल है, पोलर स्पिंडल इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है
कि दो साइड जो पोल के हैं इसको इंटर डिजिटेट जो पकड़ के रखता है दोनों के दोनों पोल को, उसका नाम पोलर स्पिंडल फाइबर्स होगा। जो इंटर डिजिटेट करता है, इंटर डिजिटेट करना पकड़ के रखना, आपस में मिला के रखना, इंटर डिजिटेट विद ऑपोजिट पोल, जो दो पोल को ऑपोजिट पोल को इंटर डिजिटेट करके रखेगा वो पोलर स्पिंडल होगा। इसका जो एस्टर है, एस्टर एस्टर की सबसे बड़ी पहचान एस्टर स्पिंडल की, ये स्टार लाइक होता है, स्टार लाइक। और जो अटैच होता है, अटैच विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा हम उसको नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एस्टर स्पिंडल फाइबर है। इसी के बाद काइनेटोकोर स्पिंडल, काइनेटोकोर स्पिंडल, जो काइनेटोकोर स्पिंडल है, मैं इसको यहां से रेज कर रहा हूं, ये देख, जो काइनेटोकोर स्पिंडल है, काइनेटोकोर स्पिंडल, इसकी सबसे बड़ी पहचान जो अटैच होता है, अटैच विद क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है हम उसको नाम दे दें, वो काइनेटोकोर स्पिंडल है। अब क्रोमोसोम के साथ कहां अटैच होता है, जैसे कि ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम की जो बाजू है, बाजू इसको नाम देते हैं क्रोमाटिड, इट इज कॉल्ड क्रोमाटिड। और क्रोमाटिड की सबसे बड़ी पहचान ये आर्म्स, बाजू है, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। और जो बाजू क्रोमोसोम की है ये जिस जगह पे अटैच होती है उस जगह को नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड सेंट्रोमेयर, ये है सेंट्रोमेयर। तो जहां पे दोनों के दोनों क्रोमेटिड अटैच होते हैं उस पॉइंट को नाम देते हैं वो सेंट्रोमेयर है। मतलब कि अगर मैं कहता दो क्रोमेटिड कहां पे अटैचमेंट है, वो सेंट्रोमेयर पे अटैच होते हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पे पॉइंट वेयर बोथ क्रोमेटिड अटैच, जहां पे दोनों क्रोमेटिड अटैच होंगे हम उसको नाम दे देंगे, वो क्या है, सेंट्रोमेयर होता है। मैं आसा आसा चला रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा, पॉइंट को क्लियर कीजिएगा। इस सेंट्रोमेयर के ऊपर प्रोटीन होती है जहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, और वो जो प्रोटीन है जहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं उस प्रोटीन का नाम है काइनेटोकोर प्रोटीन, काइनेटो कोर प्रोटीन। और ये वो जगह है जहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, मतलब ये पॉइंट है, पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर अटैच। अब आपको ये याद होना चाहिए कौन सा स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल तो मैंने दो बताए हैं, एक मैंने बताया पोलर स्पिंडल और अब मैं बता रहा हूं कौन सा, काइनेटोकोर स्पिंडल। तो कौन सा स्पिंडल अटैच होगा इसके साथ, यहां पे जो अटैच होता है उसका नाम है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। तो जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जिस जगह पे अटैच होता है हम उसको नाम दे देते हैं, वो काइनेटोकोर प्रोटीन है। काइनेटोकोर प्रोटीन किस जगह मौजूद है, सेंट्रोमेयर के ऊपर मौजूद है। ये दो जो बाजू है क्रोमोसोम की इसको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड क्रोमाटिड है। ये जो आपके पास क्रोमोसोम की लेंथ है, लेंथ, ये क्रोमोसोम की लेंथ ये आपको नजर आती है 0.25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक इसकी लेंथ होती है। अब ये जो आपके पास पूरा जाल है जिसका नाम माइटोटिक अपरेटस है, उस जाल में क्या क्या आता है, एस्टर, पोलर और कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर आते हैं। इन तीनों का बेसिकली इकट्ठा क्या रोल है, अगर मैं कहता रोल ऑफ माइटोटिक अपरेटस, रोल ऑफ माइटोटिक अपरेटस, तो माइटोटिक अपरेटस का क्या रोल है, इन तीनों का क्या रोल है। इस तीनों का सबसे पहला रोल अटैचमेंट करवाना है, जोड़ना है, अटैचमेंट करवाना है। इन तीनों का रोल है कैप्चर करना, पकड़ना है, पकड़ना है। इन तीनों का रोल अलाइनमेंट करवानी है, तरतीब में लेकर आना, अलाइन में चीजों को लेकर आना है। इसका क्या रोल है, सेपरेशन करवानी है, सेपरेशन करवानी है।
अब क्वेश्चन ये है किसकी अटैचमेंट करवाने, किसको कैप्चर करना है, किसको अलाइनमेंट करना है, किसको सेपरेशन करना है। तो बेटा याद रखना क्रोमोसोम को करना है, क्रोमोसोम को अलाइन करवाना, क्रोमोसोम को कैप्चर करना, क्रोमोसोम को अटैचमेंट करना, क्रोमोसोम को सेपरेशन करना, ये सबसे बड़ा रोल है जिसका नाम माइटोटिक अपरेटस है। तो माइटोटिक अपरेटस का क्या रोल है, अटैचमेंट, कैप्चर, अलाइनमेंट, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम है। और माइटोटिक अपरेटस में तीन चीजें आती हैं, पोलर स्पिंडल फाइबर, एस्टर, और इसके बाद आता है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर आता है। और ये सब कुछ आपको विजिबल जो होता है, ये सब कुछ नजर आता है किसके अंदर, प्रोफेज के अंदर आपको ये नजर आता है। आपको सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट बहुत बात बतानी है, प्रोफेज के अंदर ये जो आपके पास सेंट्रियूल है, ये जिस जगह पे मौजूद होते हैं उस जगह को नाम देते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का मतलब द एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर सेंट्रियूल्स आर प्रेजेंट, दिस एरिया इज कॉल्ड सेंट्रोसोम है। अब ये सारा करने के बाद अगले फेज में जाते हैं, मेटाफेज। कहते हैं मेटाफेज में क्या होता है जी, तो अब आ गया मेटाफेज। जैसे कि आपको पता है कि मैंने लास्ट टाइम बताया कि क्रोमोसोम आपको विजिबल हो गए हैं, स्पिंडल फाइबर आपको विजिबल हो गया, न्यूक्लियस खत्म हो गया, न्यूक्लोलस आपको डिसअपियर हो गया, सेंट्रियूल ऑपोजिट पोल में जा चुके हैं, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ चुका था। अब क्या होगा मेटाफेज के अंदर, जैसे कि आपको पता है कि ये फॉर एग्जाम्पल सेल है, और इस सेल के अंदर आपको लाजमी याद होगा ये सेंट्रियूल है, इस सेंट्रियूल से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच थे ये एस्टर थे, इसके साथ ये थे स्पिंडल, दो तरह के हैं, एक पोलर और एक काइनेटोकोर। पोलर वो होता है जो इंटर डिजिटेट करके रखता है, दोनों पोल को पकड़ के रखता है, और जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच होंगे वो काइनेटोकोर वाला होगा। अब ये जो क्रोमोसोम है ये सेंटर पर अलाइन हो चुके हैं, सेंटर पर आ चुके हैं। तो अगर ये सेंटर पर अलाइन हो जाएं, तो सेंटर पर अलाइन होने से ये प्लेट फॉर्मेशन होती है, और इस प्लेट को नाम देते हैं, दिस प्लेट इज कॉल्ड मेटाफेस या माइटोटिक प्लेट, इसको नाम देंगे माइटोटिक प्लेट का भी नाम दिया रहता है। तो ये जो माइटोटिक प्लेट है सेंटर में अरेंजमेंट होने से होता है, तो जहां पे सेंटर में अरेंज हो जाए इस फेज को नाम देते दे आर कॉल्ड मेटाफेज। अगर मैं कहता क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स अरेंज एट इक्वेटर, जब ये इक्वेटर पे अरेंज हो जाए, ठीक है, इक्वेटर पर अरेंज हो जाए, अरेंज एट इक्वेटर देन फॉर्म, फिर जाके बनती है, और उस प्लेट का नाम बता दिया माइटोटिक प्लेट कह लें, या मेटाफेज प्लेट आप इसको नाम दे सकते हैं, या दूसरा नाम एक्टोरियल प्लेट भी इसको कह सकते हैं, एक्टोरियल प्लेट का भी नाम इसको दे सकते हैं। अब बेसिकली आपको यहां पे एक चीज को याद रखना है कि मैंने बताया कि क्रोमोसोम के दो आपके पास स्ट्रैंड नजर आते हैं जिसका नाम है क्रोमाटिड। सेंटर पर जहां पर यह अटैच होते हैं इसको कहते हैं सेंट्रोमेयर, और इसके साथ एक प्रोटीन होती है, दे आर कॉल्ड काइनेटोकोर प्रोटीन है, ठीक है। अब ये जो सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर इस सेंट्रोमेयर का दूसरा भी नाम है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं इसको। और जो स्पिंडल फाइबर है जैसे आपको बताया वो इस प्रोटीन के साथ अटैच होंगे, और उन स्पिंडल फाइबर का नाम होगा काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर होगा, और इस तरह सेंटर में जो अरेंज हो जाए इसको कहते हैं मेटाफेज कहते हैं। मेटाफेज के बाद जो अगला फेज आता है उसका नाम है एनाफेज, एनाफेज। तो जो एनाफेज है, एनाफेज, हम एनाफेज को दूसरा नाम देते हैं क्रिटिकल फेज, क्रिटिकल फेज। इसको क्रिटिकल फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कंट्रोल करता है, कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल, ठीक हो गया, क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल। तो जो डॉटर सेल है, डॉटर सेल के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है वो एनाफेज होता है। जैसे कि आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल
46 क्रोमोसोम पेरेंट के पास है तो डॉटर के पास भी 46 आएंगे, इससे कम या ज्यादा नहीं होंगे। मतलब कि जितने भी क्रोमोसोम पेरेंट के पास है उतने डॉटर के पास लेके जाना, प्रॉपर तादाद आपको जो नजर आती है डॉटर सेल के पास, बेसिकली वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो खराब नहीं होने देती वो कौन है, एनाफेस होती है। बेसिकली एनाफेस के अंदर होता क्या है, आपको पता है यहां पर दो स्पिंडल फाइबर थे, एक स्पिंडल फाइबर का नाम था काइनेटोकॉर्ड स्पिंडल फाइबर और एक का नाम था पोलर स्पिंडल फाइबर। जब इन्होंने सेपरेट होना होता है क्रोमोसोम के दोनों स्ट्रैंड ने, तो सबसे पहले काइनेटोकॉर्ड जो स्पिंडल फाइबर है, काइनेटोकॉर्ड स्पिंडल फाइबर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो पोलर स्पिंडल फाइबर है ये इलोंगेट होता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट और वो इलोंगेट होता है तो इनकी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है। तो इसके कॉन्ट्रैक्ट और इलोंगेट होने की वजह से एग्जर्ट होती है फोर्स, एक फोर्स खारिज होती है, और इस फोर्स का काम है विच सेपरेट करती है, जो कि सेपरेट करवाती है विच सेपरेट ऑफ क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम के क्रोमेटिड है इनको सेपरेट करने के लिए जो फोर्स लगती है वो फोर्स कैसी आती है, काइनेटोकोर स्पिंडल का कॉन्ट्रैक्ट होने से, पोलर स्पिंडल के इलोंगेट होने से जो फोर्स एग्जर्ट होती है बेसिकली वो ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को सेपरेट करवाती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है और ये इसका सेंट्रोमेयर है, ये है स्पिंडल फाइबर जो कि इसको इस तरफ खींच रहा है और ये स्पिंडल फाइबर इसको इस तरफ खींच रहा है, जिस वजह से एक स्ट्रैंड चला जाता है एक तरफ और दूसरा इसका क्रोमेटिड चला जाता है दूसरी तरफ। तो इस तरह एक क्रोमोसोम के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना इक्वली, वो बेसिकली किसका रोल होता है, एनाफेज के अंदर वो दो चीजें करवाती हैं, एक का नाम काइनेटोकोर स्पिंडल है और दूसरे का नाम क्या है, पोलर स्पिंडल होता है। अब यहां पे एक चीज को सुनिएगा, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम टू सेम रहते हैं, 46 और 46 रहते हैं। अब यहां पर होता क्या है जो कि आपने याद रखना है, अब जो लास्ट है लास्ट वन, इसका नाम है टिलोफेस, टिलोफेस। अब जो टिलोफेज है, टिलोफेज याद रखना, जो टिलोफेज है बेसिकली ये रिवर्स होता है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, जो आपने प्रोफेज में बनाया था वो यहां पे डिसअपियर हो जाएगा, जो वहां पे डिसअपियर हुआ था यहां पे दोबारा वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखा जाए तो आपने कहा था माइटोटिक अपरेटस, वहां पे क्या हुआ था अपियर, यहां पे क्या हो जाएगा डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज ऑफ माइटोटिक अपरेटस, ठीक हो गया। इसके बाद यहां पे अपियर हो जाएगा या ऑर्गेनाइज हो जाएगा वो आपने जो डिसऑर्गेनाइज किया था, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस सॉरी दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, टू न्यूक्लाई बन जाएंगे और साथ ही साथ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस भी बन जाएगा और दो न्यूक्लाई आपको नजर आएंगे। इसी के बाद यहां पर देखा जाए तो यहां पर अगेन आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विजिबल ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दोबारा विजिबल होना शुरू हो जाएगी इसके अंदर। तो ये सारा का सारा जो आपको नजर आता है, ये नजर आता है किसके अंदर, टिलोफेज के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेल है और इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस ये होगा और एक न्यूक्लियस ये, तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन गए, इसे मैंने लिखी थी यहां पे दो न्यूक्लाई नजर आएंगे। ये न्यूक्लियोलस आ गया, ये न्यूक्लियोलस आ गया, इसका सेंट्रियोल अपना एक तरफ होगा, इसका सेंट्रियोल अपना एक तरफ होगा, तो एक सेल के अंदर आपको दोबारा ही नजर आएंगे। अब यहां पे आपको क्रोमोसोम नजर नहीं आएगा, क्रोमोसोम दोबारा क्रोमाटिन की फॉर्म में आपको नजर आएगा, फाइन नेटवर्क जो थ्रेड था वो आपको नजर यहां पे आएगा। तो यहां पे अगेन विजिबल हो जाएगा या डीकंडेंसेशन होगी किसकी, क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम अगेन क्रोमाटिन की फॉर्म में आ जाएगा और यहां तक
जो मैंने फेजेस पढ़ाए हैं ये है माइटोसिस के फेजेस, जिसका नाम है कैरियोकाइनेसिस के फेजेस। एक का नाम मेटाफेज है, एक का नाम प्रोफेज है, एक का नाम मेटाफेज है, एक का नाम एनाफेज है, और एक का नाम क्या है टेलोफेज है। तो ये चार फेजेस मिलके कैरियोकाइनेसिस को बनाते हैं, जो कि कंप्लीट होती है हमारी माइटोसिस। अब इसको मैंने डिवाइड करना है सेंटर से, तो उसका नाम होगा साइटोकाइनेसिस होगा।